नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जिनको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त नहीं मिली है या फिर जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसी को 2 किस्तें मिली है, किसी को 5 किस्तें मिली है, किसी को 8 किस्तें मिली है और किसी को 10 किस्तें मिली है। सरकार अभी तक पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के किसानों को 13 किस्तें दे चुकी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी की पूरी यानी 13 किस्तें नहीं मिली हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके स्टेटस में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके चलते उनकी किस्तें रुकी हुई हैं। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं, करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है। वो लोग जो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर सब कुछ सही है, लैंड सीडिंग यस है, उन्होंने अपनी EKYC करा रखी है, उनका PFMS एक्सेप्टेड है, पेमेंट मोड भी आधार है, यानी सब कुछ सही है, डेटा उनका एज पर आधार है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी उन लोगों को योजना की किस्तें नहीं मिल पा रही हैं, योजना का लाभ उन लोगों को कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत सरकार ने एक किसान हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दोस्तों, ये बिल्कुल नया नंबर है जो आप लोग पीएम किसान के स्टेटस पर देखते हैं, जब साइट में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कई किसान हेल्पलाइन नंबर दिखाए जाते हैं जो कि नहीं लगते हैं, जिन पर बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, तो दोस्तों उस नंबर पर आपकी जो भी समस्या है उसका त्वरित समाधान किया जाएगा, यानी आपकी जो भी समस्या होगी पीएम किसान से रिलेटेड उसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। अगर आपकी समस्या का समाधान अधिकारियों के करने लायक है तो तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई है वो आपके खाते में आने लगेंगी। वहीं अगर आपकी समस्या का समाधान त्वरित होने वाला नहीं है या फिर कोई ऐसी समस्या है जो कि आपके एंड से सही होनी है तो आपको उसका कंप्लीट सलूशन बता दिया जाएगा कि आपको कहां पर जाना है। आपको आपके जिले के, आपके ब्लॉक के जो भी पीएम किसान योजना के नोडल अधिकारी हैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा या फिर आपकी शिकायत को उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त नंबर है ये नंबर, भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूं। चाहे आपके स्टेटस में कोई भी कमी हो जिसके चलते आपको लाभ न मिल पा रहा हो तो भी आपको इसी नंबर पर कॉल करना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के किसानों के लिए जो नंबर जारी किया गया है, दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये नंबर पूरे देश में एक ही नंबर है, यानी देश के किसी भी राज्य का कोई भी किसान इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। तो यहाँ पर कोई अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नंबर नहीं जारी किए गए हैं, ये सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर जारी किया गया है जो कि टोल फ्री नंबर है। इस पर आपको जब कॉल करेंगे तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को ही जारी की जा चुकी है, लेकिन देश में करोड़ों ऐसे किसान हैं जो इस किस्त से वंचित हैं, यानी उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है और ऐसे किसानों की संख्या करोड़ों में है। तो इस समस्या को देखते हुए कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने एक किसान हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे देने वाला हूं, जिस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का त्वरित समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिनके चलते उनकी किस्त रुकी हुई है, तो लेकिन वो लोग परेशान हैं इस वजह से कि हम इस समस्या के समाधान के लिए कहां जाएं, अपनी इस समस्या को हम कैसे ठीक कराएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों की किसानों को जानकारी न होने की वजह से वो लोग परेशान हैं, उनके स्टेटस में लगातार कमी बनी हुई है। तो जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान क्या है और इस समस्या का समाधान कराने के लिए आपको कहां जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको कहां जमा करने हैं। दोस्तों, सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया जाएगा तो आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपकी जो भी किस्तें रुकी हुई हैं वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। वही दोस्तों, करोड़ों ऐसे भी किसान हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन योजना की 13वीं किस्त या फिर 12वीं किस्त या फिर 11वीं किस्त उन लोगों को नहीं मिली है। क्योंकि सिर्फ ऐसे किसान सिर्फ 13वीं किस्त वाले ही नहीं है जिनको योजना की किस्त नहीं मिली है और उनका स्टेटस में सब कुछ सही है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आए हैं कि किसी को 11वीं किस्त नहीं मिली है, उनके स्टेटस में सब कुछ सही है, किसी को 12वीं नहीं मिली है, उनके स्टेटस में सब कुछ सही है। तो ऐसे किसानों की संख्या करोड़ों में है जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी उन लोगों को योजना की 13वीं किस्त नहीं मिली है। तो ऐसे लोग और भी ज्यादा परेशान है कि मेरे जब स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है तो फिर हमें योजना की 13वीं किस्त क्यों नहीं मिली है, अगर कोई कमी हो तो हम उसे सही करा लें, लेकिन जब कोई कमी ही नहीं है तो हम कहां ठीक कराएं, क्या ठीक कराएं और हमारी किस्त अगर रोकी गई है तो क्यों रोकी गई है।
तो दोस्तों उसका भी जवाब आपको उस नंबर पर मिल जाएगा और आपकी समस्या का जो भी सलूशन होगा वो ऑनलाइन वहीं से कर देंगे और आपकी जो भी किस्त रुकी हुई है वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह नंबर पूरे देश के लिए है। देश के किसी भी राज्य का कोई भी किसान इस नंबर को डायल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। दोस्तों इसमें कोई अलग अलग नंबर नहीं दिए गए हैं कि हर स्टेट के लिए अलग अलग नंबर हो। ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही नंबर जारी किया गया है जिस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों वो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, वो नंबर है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ, 1800 180 1551। दोस्तों यह नंबर है 1800 180 1551। जैसे ही आप इस नंबर को डायल करेंगे तब दोस्तों आपके पास में या तो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास में पीएम किसान में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन दो में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो आपसे मांगेंगे, आपका स्टेटस ओपन करेंगे और उसके बाद आपकी समस्या का जो भी समाधान होगा वो वहीं से कर देंगे या फिर जो भी होने वाला होगा, जिस तरीके से आपकी समस्या का समाधान होने वाला होगा वो आपको बता देंगे और आपकी पीएम किसान की जो भी किस्तें रुकी हुई हैं आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।